आज हम लोगों ने इनफैक्ट उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से ही मीडिया के साथ बात करने की हमेशा से कोशिश करता रहा है, और मैं आए बगाए हर 10 दिन के बाद एक वीडियो भी जारी करती हूँ जो आप लोगों के चैनल्स पे भी जाता है, मीडिया से बात भी करती हूँ। मगर अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो हम बताएं सबको, और स्टेटिस्टिक्स से मेरा मतलब है डेटा। उधमपुर जो हमारा कोविड का आज की तारीख में अगर मैं बोलूं 15 मई को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ हैंड नहीं है, हम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूं कि ये बात बोलने लायक है कि हमारे डॉक्टर्स की मदद से, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से, हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मदद से और स्पेशली PRIs की मदद से हम लोग काफी हद तक कंट्रोल में हैं टू बिगिन विद। दूसरा ये है कि कुछ चीजें, कुछ डाउट्स लोगों के मन में हैं विद रिगार्ड टू कि बेड नहीं है, कोई कहता है जी ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं ये क्लियर करती चलूं कि हमारे पास 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जिसमें से कि 250 अबव डेल्टा टाइप यानी डी टाइप हैं, जो कि बड़ा सिलेंडर होता है। छोटा ब्रावो टाइप भी हमारे पास सफिशिएंटली प्लेस्ड हैं। 111 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। ये दोनों डेटा मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई की उधमपुर में कोई कमी नहीं है। ऑन एन एवरेज हम लोग जब कोविड ने सेकेंड वेव ने हिट किया था तो हमारी पर डे 30-32 की कंजम्पशन, 30-32 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स कंज्यूम होते थे। आज की तारीख में मेरे पास 65-70 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर डे कंज्यूम हो रहा है, और आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 500 प्लस अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मेरे पास हैं, 70-72 अगर मेरा कंज्यूम हो रहा है, तो भी हमारे पास बहुत सारे फिल्ड सिलेंडर्स पड़े हैं। सो कंफर्टेबल पोजिशन में हैं हम लोग। नंबर टू, हमारा जो ऑक्सीजन जनरेटर, जो हमारा ऑक्सीजन एक प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पुराना प्लांट है बट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नारायणा को हम उधमपुर से दे रहे हैं, GMC में उधमपुर से जा रहा है, रामबन में उधमपुर से जा रहा है, एक आध बार किश्तवाड़ ने भी हमसे लिया, और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो ले ही रहा है, और प्राइवेट एक दो जो हमारे लोग हैं वो भी ले रहे हैं। तो आप एक मतलब आप एक बड़ा व्यू अप्रोक्सीमेटली ले लें तो भी हम लोग बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। कमिंग टू द थर्ड थिंग, जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहां पर ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट नहीं था बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट। आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रिमाइसिस में एक OGP हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। कल मोस्ट प्रोबेबली उसकी ट्रेसले हो जाएगी, उसकी पूरी दीवारें ऊपर तक। ये 15-20 दिनों का काम है, आप लोगों के सामने हुआ है, और मैनिफोल्ड ऑलरेडी लेड है, अंडरग्राउंड मैनिफोल्ड आना है। गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें पॉजिटिव हिंट दे दिया है कि हमारा OGP जो है वो आने वाला है। सो माय पॉइंट इज कि अगर सब कुछ ठीक चला तो हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर का एक अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट आ जाएगा। तो लोगों को इस बात को लेके बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी उधमपुर में है। बट एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि ऑक्सीजन की जो पैनिक मोड लोगों ने शुरू किया है, मैंने पहले भी 2-3 बार मीडिया में ये बोला कि घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का कोई तुक नहीं है। आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर आपने घर में खरीद के रखा है तो उसको आप ड्रॉइंग रूम में सजा के रखिए, आपके किसी काम नहीं आने वाला वो, बिकॉज आपको चलाना नहीं आएगा, और अगर आपको चलाना नहीं आएगा तो दैट इज ऑफ जस्ट नो यूज, यू वेस्टेड योर मनी। सभी से रिक्वेस्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के होड़ में मत लग जाइए। हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स 616 बेड कैपेसिटी का कोविड केयर सेंटर है, यानी ऐसा सेंटर जिसमें हमने 5 से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 3-3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे हुए हैं। अब हमने उसको, पहले हमारे पास 500 प्लस बेड कैपेसिटी थी, गवर्नमेंट ने हमें बोला उसको बढ़ाना है, हमने उसको 616 पे लाया है। मेरे इस समय 7 ऐसे सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी कोविड केयर सेंटर की शक्ल में चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। उधर मैजिस्ट्रेट लगा है, डॉक्टर लगा है, सब लगे। मगर अजीब बात यह है कि लोग घरों में बैठ के बीमार होना पसंद कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे। अगर कोई घर में बीमार है, खांसी जुकाम हो रहा है, मजाल है किसी को बता दें।
आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एज अ डिप्टी कमिश्नर कि अगर कोई बीमार हो रहा है वो बताता क्यों नहीं डॉक्टर को। अगर आप पहली बार आपको बुखार आता है, दूसरा 24 घंटे के अंदर अंदर अपना टेस्ट कराइए। ये मान के चलिए कोई भी बुखार इस समय, कोई बुखार, कोई जुकाम, कोई खांसी, सब कोविड है। ये मान के चलिए कि सारा जो खांसी जुकाम है सब कोविड है, ये क्यों नहीं मानते हम लोग। और कोविड अगर नहीं है उसको आप प्रूव करिए, 24 घंटे में टेस्ट कराइए। जैसे ही आपका टेस्ट होगा आपको पता चल जाएगा आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो आराम से घर बैठिए, और अगर पॉजिटिव हैं तो तुरंत से हमारा जो इनिशिएटिव है डॉक्टर से पूछो, जिसमें हम लोग 272725272729 पे 24/7 अवेलेबल है। पूछ के देखिए, मेरा मोबाइल नंबर सारी जनता के पास है, व्हाट्सएप करिए, हमें बताइए कि मेरे को सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रुक रहा हूं, मेरे बुखार हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है, कुछ भी है अपने घर में बताइए। जितना इस चीज को छुपाएंगे होगा ये कि आप इतनी बुरी हालत में बीमार हो जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचते सारी दम तोड़ेंगे। और मैं आपको बताती चलूं, हमने डेथ एनालिसिस किया है। डेथ एनालिसिस का मतलब, मेरे पास पिछले दिन तक 91 मौतें हुई हैं, 91 पीपल हैव डाइड, इंक्लूडिंग पिछले साल से, पिछले जब से कोविड शुरू हुआ तब से। और अभी 31, यानी कि अप्रैल से लेके अभी तक 31 लोग मौत देख चुके हैं। और उन 31 लोगों में से मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने बातें छुपाई, जिन्होंने अपना नहीं बताया। देन द अदर पॉइंट इज वैक्सीनेशन। अभी यहां पर हमने एक बहुत लंबा एनालिसिस किया है कि हमारी वैक्सीनेशन 62% पे है, 62, यानी 62 से 65 के बीच में जितना भी हमारा जो हमारी वैक्सीनेशन 65% आई एम सॉरी। एंड इन दैट केस व्हाट वी आई वांट टू अंडरस्टैंड इज क्यों 65% है। हमारा रामनगर, हमारा चनैनी 47 पे लगा हुआ है। 47% मींस यू हैव नॉट इवन टच्ड 50%। इसका मतलब बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज भी नहीं लिए हैं। और ये चीज पिछले कल गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने इशू किया है, 93% ऑफ द पीपल जिन्होंने एक डोज पे वैक्सीनेशन नहीं कराया उनकी मौत हुई है। 7% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट ही नहीं किया। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नंबर वन इज अपनी बीमारी को मत छुपाइए। हमारी सर्वे टीम्स गई थी, हमने सर्वे टीम्स में भी 70% लोगों ने सच बोला, 30% लोगों ने झूठ बोला, नहीं बताया। हम दोबारा लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूं। आई विल नॉट अलाउ अ सिंगल पर्सन टू डाई इन होम। और मैं दोबारा से उन सर्वे टीम्स को भेज रही हूं, सबके दरवाजे हम खड़खड़ाएंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि जब आप बीमार हैं तो आप सरकार को क्यों नहीं बता रहे। और दूसरी बात कि अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं है तो वैक्सीनेशन के लिए आइए, कोई कमी नहीं है वैक्सीनेशन की, हर दिन हमें वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रही है, आइए। 45% से ज्यादातर जो लोग हैं उधमपुर में उनकी वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रही है, हमने कैंप्स किया है, PRIs हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चर है। टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन PRIs और अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मिलके बहुत ही कंट्रोल्ड पोजिशन में है।